हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोल्डन फ्राइड प्रॉन का रेसिपी। गोल्डन फ्राइड प्रॉन मेरा एक बहुत ही फेवरेट डिश है एंड इसको बनाना ही बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये है सामने सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे 10 to 12 प्रॉन है, बिग साइज़ प्रॉन है, आप देख सकते हैं। आप उस मतलब इससे भी बड़ा प्रॉन से बना सकते हैं। तो आज यही था मार्केट में अवेलेबल, तो यहाँ पे अराउंड 200 to 250 ग्राम्स ऑफ प्रॉन है। उसके हिसाब से मैं बाकी इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी। प्रॉन का हेड को मैंने अलग कर लिया एंड टेल पार्ट को जस्ट रख दिया है। एंड प्रॉन को या स्लिट करके उसका गट एंड ऑल भी निकाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी ऐसे ग्रिड वाइज एक आधा स्लिट लगा दी हूँ, सो दैट एक्चुअली प्रॉन जब फ्राई होता है ना तो वो कर्ल होने का चांसेस होता है, तो इसलिए मैंने वो कर्ल ना हो इसलिए ग्रिड वाइज ऐसे स्लिट लगा लिया है एंड धो के क्लीन करके रखी। उसी हिसाब से सॉल्ट लगेगा टू टेस्ट, थोड़ा सा 1/4 teaspoon ग्रीन चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 teaspoon एंड लगेगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड कॉर्नफ्लावर टू मैदा रेशियो। अगर मैदा यहाँ पे मैंने 2 tablespoon लिया है तो 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर लगेगा। वॉट एवर द मैदा का अमाउंट इज उसका डबल शुड बी द कॉर्नफ्लावर। तो चलिए देख लेते इसको मैरिनेट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक प्लेट में सारे प्रॉन्स ऐड कर दूँगी एंड इसमें डाल दूँगी ये लेमन जूस। लेमन जूस ना रहे तो विनीगर भी ऐड कर सकते हैं, बट लेमन का अपना एक फ्लेवर भी आएगा। एंड ऐड कर दूंगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐड कर दूंगी ये सॉल्ट टू टेस्ट एंड रेड चिली पाउडर और ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड इसको बहुत अच्छे से सबको मैरिनेट करके रख देंगे फॉर मिनिमम 1 hour to 2 hours। तो इसके बाद का प्रोसेस बाद में दिखाते हैं, अभी इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। ये मैरिनेटेड चिकन है, इसको मैंने 1.5 घंटा छोड़ दिया था ऐसे ही रख के। अभी मैं बैटर बना लेती हूँ। बैटर के लिए एक बोल लेंगे एंड जितना मैदा है उससे थोड़ा सा बचा के मैं रखूँगी डस्टिंग के लिए, जस्ट अ लिटिल बिट। एंड जितना कॉर्नफ्लावर है वो भी डाल दूँगी एंड ऐड करूँगी अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत थोड़ा सा 1/2 teaspoon एंड ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। और इसको पानी से एक बैटरी कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। और ऐड करूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये बैटर बनके रेडी है एंड यहाँ पे जो ड्राई मैदा है उसमें इसको जस्ट कोट करेंगे थोड़ा सा लगा के, सो दैट जो मसाला एंड ऑल है एवरीथिंग एंड कोट कर करके साइड में रखेंगे डस्टिंग ऑफ द एक्सेस मैदा। उधर तेल भी गर्म होने के लिए बिठा देंगे, इसको जस्ट कोट कर लेंगे मैदे में। यहाँ पे एक पैन में मैं कढ़ाई में तेल गर्म कर ली हूँ और यहाँ देख सकते हैं सारे प्रॉन्स को मैं मैदे में डस्ट कर ली हूँ। और ये रहा बैटर, बैटर को फ्लेम में बहुत कम रखी हूँ। बैटर में एक एक प्रॉन डिप करूँगी एंड थोड़ा सा ये करके इसको छोड़ दूँगी। फ्लेम को कम ही रखेंगे एंड विल डिप, ऐसे करके सारा फ्राई कर लेंगे एंड गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप मेयो डिप भी बना सकते हैं, कोई भी टाटर सॉस, पुदीना की चटनी, एनीथिंग एनी टोमेटो सॉस, कोई भी सॉस के साथ इसको आराम से सर्व कीजिए।
फ्लेम को मैंने लो पे ही रखा है। देखिए कैसे फुले फुले से ऑलरेडी हो रहे हैं, एंड लो फ्लेम में ही इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इसको मैंने अभी पलट दिया है। ऐसे करके फर्स्ट बैच में निकाल ली हूँ, अभी बाकी बैच टू बैच इसमें डालती जाऊँगी। आप चाहे तो इसको ऐसे हाफ फ्राई करके भी रख दे सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड जब तब, और एक बार फ्राई करके सर्व कर दीजिए। बेकिंग पाउडर के वजह से ये पूरा एकदम फूल जा रहा है, लाइक जो स्टोर बॉट गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स होते हैं। ये लास्ट है, मैं इसी में जगह बना के दे दूंगी। सो ये बन के रेडी है, एंड कितना फ्लफी एंड क्रिस्पी भी हुआ है आप आवाज़ देख सकते हैं, एंड कितना ईजी भी। प्रॉन को तो ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगता है, तो आप भी ज़रूर बना के इसे ट्राई कीजिए। टिल देन लाइक माई वीडियो, शेयर दिस रेसिपी टू योर फ्रेंड्स। बाय।